पंजाब की इसमें देख रहे हैं सभी व्यवस्था का स्वागत है सो so, आज हमारे साथ बॉलीवुड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं डी शाह एंड बहुत ही अच्छी डिजाइनर हैं अमित जी टी सो so, उनसे मुलाकात करते हैं डी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच सो दिस इज योर फर्स्ट विजिट आई थिंक जलंधर में जी पहली बार आ रही हूँ यहाँ पर ओके सो जिस काम के लिए आप यहाँ आए हो हम उसके बारे में बात करते हैं आज hmm. ओपनिंग पे आए थे आप अमित जी जो कलेक्शन है ए डी सो कैसा रहा एक्सपीरियंस अमित के साथ मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है मैंने काफ़ी उनके कलेक्शन जो में से जो कपड़े हैं वो मैंने रेड कारपेट पे पहने हैं एंड आई ऑल्सो वर्क फॉर हिम ऑन लैक में फैशन वीक सो एज दैट एसोसिएशन गोज़ क्वाइट यर्स बैक एंड ही इज़ अ लवली पर्सन टू वर्क विथ मोर देन दैट मुझे अमित के जो कपड़े हैं वो बहुत पसंद है बिकॉज इट मेक्स यू फील लाइक अ प्रिंसेस इट Takes you in a different era altogether and uh, it's not over the top, yet it is classic and chic. So that is something which Amit is really known for. Okay. So Amit bhi pe. So Amit jiri, we welcome you. Hello. So how are you? Very well. How are okay. you? Uh, I'm perfectly fine. So yeah, ye, ye I think Upka Jo Shuru Punjab mein open Punjab. Mm. So tell us something about it. ये पहला स्टोर है और इसके बाद जलंधर में मेरे दो स्टोर आ रहे हैं पहला स्टोर है ए जी टी एम जो मेरी डिफ्यूज़न लाइन है इसमें इवनिंग गाउंस का कलेक्शन है आ, इंडो वेस्टर्न भी है और इसकी प्राइस रेंज भी आ, मतलब अफोर्डेबल है और और कुठियोर कलेक्शन भी मेरा है जो जो काफ़ी हाई एंड है वो भी कलेक्शन है और दूसरा ब्रांड मेरा अमी जी जीन्स है जो कैज़ुल ब्रांड है जो एलिगेंट कैजुअल है इट्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेनिम्स एक्चुअली इट्स अबाउट यू नो एलिगेंट क्लोथ्स जो जिसमें शॉर्ट ड्रेसेस हैं पार्टी वेयर ड्रेसेस भी हैं डे वेयर ड्रेसेस हैं गार्डन ड्रेसेस हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओकेजन के लिए ड्रेसेस हैं इसमें डेजी okay, so के साथ जैसे डेजी ने बताया कि काफी टाइम से आप दोनों का एसोसिएशन है आप इकट्ठे हैं सो so, डेजी के बारे में ये जो लुक so, है वैसे तो शी इज प्रिंसेस बहुत अच्छी लग रही है बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं सो सब आपको आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले uh, मेरे माइंड में यही आता है कि डेजी तो सच में प्रिंसेस है और उन पर कोई भी गाउन मेरा कोई भी गाउन कोई भी आउटफिट उन पर बहुत अच्छा लगता है वे मेरी बहुत पुरानी म्यूज है और मुझे इनको ड्रेस करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोई भी आउटफिट पहनती हैं वो बहुत अच्छी लगती है मेरे आउटफिट्स में और वैसे शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग आल्सो और मतलब मुझे इनके साथ वर्क करके बहुत ही अच्छा लगता है तो जनरली मतलब मेरी एसोसिएशन बहुत लंबी जानी है उनके साथ सो okay. so, हम और भी देखेंगे क्या क्या आगे आएगा सो so, अब डेजी लाइक like पंजाब में जब आए ही हैं हम पूछते हैं डेजी से कि पंजाब की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है डेजी को आम, पंजाब आप सोचो नाम आ, लेते ही आई थिंक मक्के की रोटी और सरसों का साग ये तो दो चीज़ है जो पहले आती है दिमाग में एंड सिंस बीन टू अमृतसर काफ़ी बारी पहले तो और मैं विंटर्स में आई हूँ लकीली तो मुझे वही खाने मिला है हमेशा

आई थिंक फिट रहना तो आज नेसेसिटी बन गया है आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इन बोग सो इट्स अ गुड थिंग ओके अगर uh, जैसे ब्रांड्स के बारे में हम बात करें अमित सामने बैठे हैं प्लीज़ उनका नाम मत लेना कि उनका ब्रांड पसंद है uh, और कौन सी डीजी को ब्रांड पसंद है मैं एक्चुअली बहुत ही कैजुअल ड्रेसर हूँ मतलब मैं ज़्यादा टॉम बॉयज कपड़े पसंद करती हूँ सो माय गो टू आउटफिट वुड बी टोन जीन्स एंड अ गंजी विथ स्नीकर्स बट व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइनर्स आई वुड से वन ऑफ माय फेवरेट डिजाइनर्स इज साची आई लव हिज क्लोथ्स एंड सम डे वेन आई गेट मैरिड आई विश टू वेयर हिज क्लोथ्स एंड एज अमितज यो आई हैव इट्स नॉट लाइक आई एम बींग बायस बट

कभी जल्द जब शादी होगी जब भी होगी शादी तो सब साची के जवाब में ड्रेस वेयर करना चाहते हो सो so, कैसा ड्रीम बॉय सोचते हो बिकॉज अभी वांट्स टू नो कि हाँ अगर डेजी शादी करेंगे तो कैसा वो लड़का होगा क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए आ, मैंने अभी तक तो वो नोट डाउन किया नहीं है कि क्या क्वालिटीज़ no, होनी चाहिए नो आई थिंक rest of the other thing, things I can manage be it financial or uh, be it taking care of me or my family I need the person whom I want to get married to love me that's it I for me love is the only criteria rest are the things I can take care of on my own <laughs> but I can definitely make her look like a princess for her d-day of course I, mean, I, I would I love I will I will wear <laughs> sachi for my Pheras, but for reception it's you easy that will be my pleasure okay, so it's what he makes. So it's like uh, no hard feelings. But I've never tried his Indian collection. I've always tried his gowns. And as I said, you know, it's like fairy tale type. So reception pe hamesha bride wo ek uske bubble mein rehna chahti hai. So that is one bubble that I want to live in. ओके सो अमित अगर कलेक्शंस की बात करें अभी सबसे ज़्यादा मेन फोकस बिकॉज विंटर्स आ रही हैं सो so, hmm. आपका किस चीज़ पे मेन फोकस है इस समय विंटर वेयर पर फोकस है वो अमी जी जीन्स लाइन में आप स्वेटर्स एंड कोट्स ट्रेंच कोट्स लॉट्स ऑफ प्लेट्स विल बी दे इन द इन द कलेक्शन और जो जहाँ तक ए जी टी बाई जी लाइन है जो वो मेरी आ, ब्राइडल लाइन है और और वेडिंग लाइन है उसमें यू विल सी लॉट्स ऑफ वेल्वेड लहंगाज and uh, you know f fabrics which are actually richer and uh, uh, in richer, richer in colors also and in uh, uh, embroideries and embellishments as well because amazing. <laughs> <laughs> mm -hmm. मुझे पता ही नहीं है कि अमित ब्राइडल भी करते हैं <laughs> अब पता चल <laughs> अभी पता चल चल गया। गया अभी मुझे। <laughs> okay, so किस में, किस में uh, मैंने हमेशा से एकदम सटल कलर पसंद किए हैं सो आई थिंक इट माइट बी वाइट और आइवरी ओके सो आप फिर अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए एंड <laughs> मैं आज यही काम के लिए यहाँ पे आई हूँ <laughs> मैं इसलिए पूछ रही थी कि कैसा लड़का चाहिए अगर पंजाब में हो ऐसा सूटेबल सो वी वुड लव कि डेजी शाह जो है वो पंजाब से कोई लेके जाए वहाँ पे ओके सो डेजी आप बॉलीवुड में काम है ना कर रहे हो रिसेंटली uh, आपकी मूवी आई थी और अच्छा मैंने एक डायलॉग आपसे सुनना है वो दे हाँ राइट राइट उसमें मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा मीन्स बने थे है ना बट हंसी आती है खुद पर जब देखते हो कि हाँ ये मीन हाँ मीम्स uh, जब मैंने देखे तो हंसी काफ़ी आई काफ़ी रिलेटेबल भी थे मतलब एक जो मीम था जिसके अंदर अब Uh, आपके बड़े आपसे पूछते कि uh, आपकी शादी कब है देन आप शादी कब कर रहे हो सो सो आई आई थिंक थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल माय माय बिजनेस 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 इज नन ऑफ योर वो एक मतलब वो एक डायलॉग है जो हर किसी मतलब किसी को शट करने के लिए ना वो बेस्ट डायलॉग बेस्ट डायलॉग है एंड uh, मतलब वो डायलॉग सुन के मजा आता है सबको <laughs> आप कितना हंसते थे जब आप देखते थे कि हाँ इतना सही डायलॉग है बट ये लोग कैसे उसका मतलब मीन्स बना रहे हैं एंड एंजॉय कर रहे हैं खुद भी इंजॉय कर रहे हैं बाकी को भी इंजॉय करवा रहे हैं जब हम शूट कर रहे थे वो पर्टिकुलर के लिए तभी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा बन जाएगा एग्जैक्टली सो आई थिंक एक रेकग्निशन मुझे मिला है वो डायलॉग से uh, मैं कहीं भी जाती हूँ तो अरे बिजनेस वाला डायलॉग ये लड़की ने बोला है ना सो आई थिंक इट्स वर्कड इन माई फेवर ओके सो बॉलीवुड में तो आप काम कर रहे हो कभी अभी पंजाब आए हो पंजाबी इंडस्ट्री भी बहुत डेवलप कर रही है सो hmm. so, uh, कभी सोचा है कि पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम करना बिकॉज काफ़ी जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं यहाँ आके काम कर रहे हैं ख्वाहिश रखती हूँ मैं आई एम होपिंग कि मुझे कोई फिल्म मिले यहाँ पे, कोई मुझे ऑफर करे फिल्म यहाँ से बिकॉज़ दिस इज़ वन टेरिटरी दैट आई वुड रियली लव टू एक्सप्लोर क्योंकि मैंने साउथ में फिल्म कर चुकी हूँ आई थिंक नॉर्थ में मैंने एक भी फिल्म नहीं की है सो या पंजाबी फिल्म इज़ लाइक ऑन माई लिस्ट ओके सो कोई फेवरेट एक्टर हो अगर आप देखते हैं पंजाबी फिल्म तो uh, दिलजीत की फिल्म मैंने देखी है काफ़ी तो आई थिंक की अपोजिट हम सोच सकते हैं कि आप आ सकते हो अगर आना in future फ्यूचर crossed <laughs> okay so uh, किस हिसाब की story देखते हो कि हाँ uh, uh, एक जैसे होता ना कि मैंने uh, हर एक रोल प्ले uh, किया है अभी mm -hmm. करने बहुत सारे रोल प्ले करने हैं आगे बट जो होता है कि हाँ मेरा जो है ये dream role है मुझे ये प्ले करना वो कौन सा डी का ड्रीम रोल है एक्चुअली मैं दो फिल्म है जो मुझे आ, वो टाइप की फिल्म करना पसंद करूँगी एक तो मैंने प्यार किया क्योंकि मैंने रोमांटिक फिल्म अभी तक नहीं की है mm -hmm. साउथ में भी नहीं की है तो एक आउट एंड आउट रोमांटिक फिल्म करना पसंद करूँगी एंड अ फिल्म लाइक चालबाज बिकॉज यू नो इट एक्चुअली गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी टू शो योर टैलेंट सो फिल्म लाइक दैट येस अमित अगर डेज़ी पंजाब इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप उनके अगर यहाँ पे जो भी बॉर्डर है उनका सेट कर रहे हैं जो भी उनके डिज़ाइन है कपड़ों का सो so किस हिसाब के कपड़े इनके लिए डिज़ाइन करेंगे uh, मैं तो इनके लिए बहुत ही चुलबुले से कपड़े डिज़ाइन करूंगा क्योंकि ये जैसा चाहती है अगर इनको चालबाज जैसा रोल मिलता है तो, तो, तो बहुत ही अच्छा है you और सुपर फन डिजाइनिंग फॉर दैट बिकॉज स्पेशली फॉर दी अदर कैरेक्टर जो थोड़ा विकेट कैरेक्टर है ना उसके लिए यू लाइक पंजाबी आउटफिट आउटफिट हाँ मुझे पटियाला बहुत पसंद है अच्छा ठीक है सो so, विवेश की हम आपको जल्दी उसमें देखेंगे एंड टॉकिंग अबाउट अदर ब्रांड्स लाइक आई आई सेड कि कपड़ों में तो मैंने पूछ लिया है ना मेकअप ब्रांड में सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते हो काली जैनर समथिंग एल्स कुछ और क्या काली जैनर की अगर कुछ uh, नहीं आई थिंक uh, मैं प्लेन टिंटेड लिप ग्लॉस जो है वो मेरा फेवरेट है मैं उसको हमेशा यूज़ करती हूँ और चीक टिंट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज स्वेब बाय तो ये दो ही चीज़ है मेरे पास उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लगाती हूँ मेरे डे टू डे लाइफ में ओके सो ये चीज़ें तो हमने बात कर ली है अभी बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है सामने मी टू करके है ना सभी आगे आ रहे हैं सो यू देयर जब होन की प्लीज का है ना आप गणेश आचार्य को असिस्ट कर रहे थे सो so, क्या कहना चाहते हो वो आपके सामने इंसिडेंट हुआ था या फिर क्या हुआ था कि इतने टाइम बाद ये चीज़ बाहर जो निकल के आ रही है अभी uh, जब ये चीज़ हुई थी तनुश्री ने आई थिंक शी हैड गॉन टू द पुलिस स्टेशन उन्होंने शायद स्टेटमेंट भी दिया था कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है uh. अब uh, तनुश्री ने यह कहा कि शी वॉज टचड इन अ रॉन्ग वे हम जब रिहर्स कर रहे थे तो एक स्टेप था जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों साथ में स्टेप कर रहे हैं नाव उस स्पीच के अंदर अगर शायद तनुश्री को हाथ लगा है सी तनुश्री इज़ दी ओनली वन हु कैन सेंस के वॉज दैट अ गुड टच और वॉज दैट अ बैड टच ठीक है तो मैं वो चीज़ के ऊपर जज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज तनुश्री इज़ द वन हु कैन एक्चुअली जस्टिफाई वॉट हैज़ हैपन टू असिस्टेंट थी जी बिल्कुल हा, हा, बहुत काफ़ी बड़ा सेट था वहाँ पे 300 लोग थे डांसर्स और क्राउड को मिलाकर और एक असिस्टेंट का जॉब ये होता है कि जब एक कोरियोग्राफर आपको स्टेप देता है और आपको बताता है कि ये शॉट नेक्स्ट ये शॉट है mm. तो हमको पूरा सेट करना पड़ता है क्राउड से लेके आर्टिस्ट से लेके डांसर्स से लेके सब कुछ तो जब मेरा काम होता था तनुषी को स्टेप सिखाना उसको रिहर्स करवाना ठीक है देन आई मूव ऑन टू दी अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ दैट शॉर्ट डांसर्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल तो उस बीच में मुझे तनुष्री ने आके एक बार बोला कि आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल अब वो एक कंसर्न था उसका जो मैंने मेरे बॉस को जाके बोला एंड देन माय बॉस सेड दैट आई टॉक टू हर आई एम आउट ऑफ दैट पिक्चर नाउ आई डोंट नो ओके सो बीइंग अ गर्ल बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट एंड आपको क्यों लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है कि इतने साल बाद ये चीज़ क्यों उठ के आई एंड इतने लोग इतनी लड़कियाँ अभी बोल रही हैं अपनी अपनी वॉइस जो रेज कर रही है mm -hmm. कि मेरे साथ भी ऐसा है मी टू सो क्या लगता है कि क्या चीज़ें उनको डराती हैं कि वो इतने टाइम तक गर्ट से नहीं निकाल पाती बोलने के लिए आई थिंक इट इज़ दोसाइटी इज द मैंटल सेट दस साल पहले जो हमारा थिंकिंग था वो आज के कम्पेयर में काफ़ी बैकवर्ड था अभी इक्ल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है लड़कियों के लिए भी दे हैव बीन गिवन द इक्ल स्टेटस नाओ वमेन आर एक्चुअली मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स और वो जो एक पहले बोलते थे ना क्या अरे चुप रहो मत बोलो तुम लड़की हो वो जो एक मेंटल ब्लॉकेज था वो निकल गया है सो आई थिंक एवरीबडी इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट सोसाइटी बबुल आईवुड से मतलब नो इट्स लाइक ब्रेक फ्री मेरे साथ ये हुआ है ये गलत है मतलब गलत है सो आई थिंक इट्स अ रेवल्यूशन इट्स अ मूमेंट इट्स इवॉल्विंग सो दैट इज समथिंग विच इज रियली गुड फॉर आस क्योंकि uh, जैसे मैंने पहले कहा कि इफ यू डोंट स्टैंड फॉर योर सेल्फ नो बड़ी एल्स विल सो अमित आप क्या कहोगे इस पर आई वे दिस दिस शी इज़ राइट एक्चुअली टेन ईयर्स बैक हम लोगों के पास ये एक इस टाइप का को कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें हम लोग कुछ ऐसे टाइप का बोल सके सोसाइटी भी डिफरेंट टाइप की थी आज सोशल मीडिया अपने पास है जिसमें हम लोग हर आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है और इजिली कर लेता है और जो जो अपनी इतनी बैकवर्ड सोसाइटी में उस समय जिस टाइप के आ, का परसेप्शन था आज की डेट में वुमेन का परसेप्शन भी चेंज हो गया और है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिल रही हैं और सेकेंडली सोशल मीडिया से आप अपनी एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस ठीक से कर सकते हैं तो इस वजह से मेरे ख्याल से आ, सब आ, एक आर्ट

जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है आई एम नॉट अ वुमन बट आई कैन स्पी करियस आई आई कैन अंडरस्टैंड वॉट अ वुमन कैन गो थ्रू यू नो इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से समथिंग यू नो फॉर actually a senior artist And uh, so that's why uh, sometimes, you know, uh, I mean, now uh, people think that uh, uh, without any fear, they have some platform where they can express voice their opinion, you know. Okay. I think earlier I said that if a woman wants to say something, she has to go through 10 different channels. Mm -hmm. Channels as in, like, पर्सन ए पर्सन बी पर्सन सी बट नाउ आज अगर मुझे कुछ बोलना आई कैन रेज माई वॉइस ऑन माई ओन प्लेटफॉर्म बिकॉज माई सोशल प्लेटफॉर्म इज़ वेरी बिग सो टूडे बीट इंस्टाग्राम ट्विटर गूगल आज इतना ईजी हो गया है कि uh, हर एक प्रॉब्लम को सोसाइटी uh, में हर एक प्रॉब्लम को टू से आउट लाउडली इन द वर्ल्ड आउटसाइड इज वेरी ईजी एंड पीपल आर रिलेटिंग विद सो थैंक यू वेरी मच दीजी आपने हमसे बात की है एंड जाते जाते मैं एक चीज जरूर आपसे पूछना चाहूँगी चाहूंगी लाइक अब आप, आपके फोन में है ना हमने बहुत सीरियस बात कर ली है सो so, आपके फोन में पांच ऐसी कौन सी ऐप है पांच ऐसी कौन सी ऐप है जो आप कौन सी मतलब एकदम यूज करते रहते हो करते रहते हो कभी ब्रेक नहीं लेते हो नहीं। ब्रेक नहीं लेती आई थिंक एक तो मैं गेम खेलती हूँ मेरे फोन सी इट्स कॉल्ड टॉय ब्लास्ट दैट इज़ वन गेम दैट आई प्ले एंड आई एम लिटरली हु इज इंस्टाग्राम थर्ड इज मेल फोर्थ इज द फोन जहाँ पे फोन लगाने पड़ते हैं और फिफ्थ इज़ व्हाट्सएप क्योंकि हमारी टीम जो है <laughs> ये करना है ये करना है ये करना है ये करना है तो वो चलते रहता है okay, ओके जैसे अच्छा एक और मैंने वैसे कहा था कि मैं लास्ट पूछ रही रूँ एक और मैं पूछ लेती हूँ सबसे ज्यादा कॉल सब सबसे ज्यादा कॉल सब, सब किसको करते हो लाइक like, मम्मी पापा या मतलब ये होता है कि हाँ थोड़े टाइम के बाद मैंने उनको कॉल करनी करनी है मम्मी हो चाहे पापा या कोई और फ्रेंड हो आई थिंक राइट राइट नाउ इन टूडेज डेन एज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द पर्सन हुम आई कॉन्स्टेंटली कॉल इज माई मैनेजर <laughs> no. सब चीज कोऑर्डिनेट करने के लिए ओके so सो okay. so, uh, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी देर आर टू फिल्म स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर ये साल अभी तक थोड़ा ठंडा चल रहा है बिकॉज आई एम जस्ट लाइक एंजॉइंग द स्वीट सक्सेस ऑफ रेस थ्री एंड माई डायलॉग सो या नेक्स्ट ईयर देर आर टू प्रोजेक्ट्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट ऑन बोर्ड ओके सो जाते जाते हमारे व्यवस्थ के लिए कुछ, कुछ खास मैसेज नवरात्रि चल रही है तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड कीप सपोर्टिंग मी ओके सो अमित आप क्या कहेंगे uh, मेरी तरफ से भी नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को और uh, दिवाली की शुभकामनाएं इन एडवांस थैंक यू वेरी मच दीजी एंड थैंक यू वेरी मच अमित सो ये थे हमारे साथ देजी शाह एंड अमित जी थी सो so, यहाँ पर आज जलंधर में आया था हमने बातचीत की है एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप वो बहुत पसंद इट दी एंड यू शूड जस्ट एड दैट लिसन इफ यू लाइक दिस आउटफिट प्लीज़ गो टू अमित जी थी स्टोर राइट नाव बिकॉज यू विल डेफिनेटली मिस ऑन द ब्यूटिफुल आउटफिट्स एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट तो जाइए और शॉपिंग करिए बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लीजिएगा देजी का ड्रेस ओके सो थैंक यू वेरी मच डेजी एंड थैंक यू वेरी मच अमित सो बहुत लवली आउटफिट है जो डेजी ने पहना है एंड आई थिंक आप मुझे देंगे बाद में गिफ्ट सो <laughs> so, मैं मजाक कर रही हूँ एंड थैंक यू वेरी मच सबका जो अभी हमें देख रहे थे एंड अगली बार फिर किसी आ, और स्टार के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे तब तक मुझे यानी कि नेहा मनहास को दीजिए इजाजत थैंक यू